आज हम क्रिएट करने वाले हैं ट्रांजिशन इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं टाइम रीमैपिंग, और इसे आप कह सकते हो स्पीड रैंप ट्रांजिशन इफेक्ट, जिसको आप वीडियोस के ट्रांजिशन के लिए बहुत ही बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे पर्सनल वीडियोस हो, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट वीडियोस हो। सो जैसे अभी आप देखो मेरे पास मेरे यहाँ पे 3 फुटेज है मेरे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। तो सबसे पहले एक फुटेज को लेके आते हैं अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। अब ये फुटेज ऑलमोस्ट काफी लंबा है, ऑलमोस्ट 15 सेकंड तक का लंबा फुटेज है मेरा यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक स्पेसिफिक एरिया चूज करके ट्रिम आउट करके इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है। अब पहला टिप आज का ये है कि जिस भी इफेक्ट के ऊपर ये ट्रांजिशन आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले फुटेज को, उसी फुटेज को ट्रिम करके रेंडर निकाल लो आप, फिर उसको यूज करो, तो टाइम रिमैपिंग आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली अभी मैं वो करने नहीं जा रहा हूँ, रेंडर करने में आपको सीधा सीधा दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि 10 सेकंड से 15 सेकंड तक का फुटेज है जिसमें मैक्सिमम मूवमेंट है मेरे पास यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहां से इस फुटेज को ट्रिम कर देता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, और आगे भी नहीं लेके जाएंगे, एंड पे चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ गाइस। अब चले आते हैं यहाँ पे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा भाई कि इसके ऊपर मुझे एक इफेक्ट अप्लाई करना है जो है हमारा टाइम रीमैपिंग। तो यहाँ पे टाइम में जाएंगे, राइट क्लिक करके लेयर के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे, अनेबल टाइम रीमैपिंग। जैसे आप अनेबल कर दोगे तो यहाँ पे एक्चुअली की लगेगा जहां पे आपका फुटेज रहेगा ना, तो देखो स्टार्ट और एंड में लगेगा, बट हमने ट्रिम किया हुआ। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में आपके बोला कि पहले ट्रिम करके उतना फुटेज आप रेंडर कर लेना, फिर उसके ऊपर टाइम रीमैपिंग अप्लाई करना, ताकि आपका काम आसान हो। पर कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक और की लगा देता हूँ, और लास्ट वाली की फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं इस फुटेज की, यहाँ पे भी मैंने एक की लगा दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मुझे स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम चेंजेस मिल रहा है, तो मुझे यहां तक का एक चेंज मिल रहा है स्टार्टिंग में, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे की अप्लाई कर देता हूँ, और इस की को मैं क्या करूंगा अभी आगे की तरफ, मतलब ऑलमोस्ट मैं चला जाता हूँ 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ से पेज डाउन 1 2 3 4 5 फ्रेम चलता हूँ मैं आगे, और मैं क्या करूंगा इस की को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। सेम चीज अभी 3 सेकंड से लेके यहां तक एक मैक्सिमम मूव हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 सेकंड के ऊपर आ रहा हूँ, और यहाँ पे एक की दे देता हूँ, और सेम चीज क्या करूंगा लास्ट की फ्रेम के ऊपर चला जाता हूँ पेज अप, और 1 2 3 4 5 फ्रेम में यहाँ पे चलता हूँ, मैं क्या करूंगा इस की को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो भाई मेरा मोशन अभी क्या हो गया, एंड मेरा यहाँ पे अटक रहा है, और इस बीच में ये जो 2 कीज लगी, इन दोनों के बीच में मेरा मोशन एकदम स्लो में होगा, बराबर है। यहाँ पे मेरा मोशन स्पीड पकड़ेगा, और यहाँ पे भी मेरा मोशन एकदम स्पीड में चलेगा। तब मैं क्या करूं, इन दोनों कीज को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 सेकंड पे लेके चला जाता हूँ यहाँ पे। अब चले जाएंगे हमारी लास्ट की फ्रेम के ऊपर, जंप कर लेते हैं, और मैं क्या करूंगा लेयर को यहाँ पे ड्रैग आउट करके ट्रिम कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया भाई, एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंच चुका है, तो हमारा पहला फुटेज का काम यहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे फुटेज बी को यहाँ पे लेके आता हूँ। अब फुटेज बी को अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप देखो ये बहुत उतना लंबा नहीं है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। तो भाई ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बट मैं यहाँ से नहीं करना चाहता, मैं फोकस फुली यहाँ से करना चाहता हूँ ऑलमोस्ट इसको, और फिर देख रहे हो आप ये पूरा का पूरा कुछ इस तरफ आ जाता है, तो बस यहीं से मुझे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं अनेबल टाइम रीमैपिंग, यहाँ पे मैं एक की अप्लाई कर देता हूँ, और मुझे ये वाला आगे से फुटेज नहीं चाहिए, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इस की भी जरूरत नहीं है, तो अभी निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। एंड में ऑलमोस्ट मेरा एक की लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी सही है मेरे लिए। अब मैं क्या करूं, यहां से जो मैक्सिमम मूवमेंट आता है कि जहां पे ये लाइट पूरा का पूरा बाहर चला गया स्टार्टिंग में, ठीक है, जहां पे ये लाइट पूरा बाहर जा रहा है बिल्कुल वहीं पे, तो यहां तक मैं लेके आता और यहाँ पे की अप्लाई कर देता हूँ गाइस। और इसको क्या करूंगा, वापस हम चले आएंगे हमारी पहले वाली की के ऊपर, और यहां से चलेंगे पेज डाउन 1 2 3 4 5 फ्रेम हम आगे चलते हैं, और मैं क्या करूंगा इस की को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। अब एंड में अगर आप देखोगे तो पूरा क्या हो रहा है, ये यहाँ पे है अभी, और उसके आगे जब मेरा लाइट स्क्रीन के अंदर का पोर्शन था, तो ये ऑलमोस्ट कहाँ पे, इस सेंटर पे जब है, और मेरे को रेफरेंस में एक बर्ड भी मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ पे की देता हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे। और अब इसकी को भी क्या करेंगे, लास्ट की फ्रेम पे चले जाते हैं, शिफ्ट पेज अप 1 2 3 4 5 में यहाँ पे लेके चला जाता हूँ, और इसको भी क्या करूंगा यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे भी उतना ही गैप देना है, तो मैं ऑलमोस्ट कुछ इतना गैप यहाँ पे देता हूँ, और इन दोनों कीज को क्या करूंगा मैं यहाँ पे सेट करके लेके आता हूँ, और यहाँ पे क्या कर देंगे इसको हम ट्रिम कर देंगे इस लेयर को भी। तो भाई इतना एरिया मेरा स्पीड में जाएगा, यहाँ पे थोड़ा स्लो मोशन चलेगा, और यहाँ पे फिर वापस क्या हो जाएगा, एकदम
स्पीड वाला मोशन रहेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब हमारा लास्ट वाला फुटेज लेके आते हैं यहाँ पे। अब दूसरा एक चीज है, दोनों का मोशन देख लो पहले। इसका मोशन किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। इसका भी सेम उसी डिरेक्शन में मोशन है, बराबर जिस डिरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, कैमरा पैन हो रहा है, इसी का इसका भी सेम डिरेक्शन में मोशन है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूं लास्ट वाले हमारे फुटेज के ऊपर। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको भी लेके आते हैं हमारी स्क्रीन के अंदर, हमारे कंपोजिशन के अंदर। अब यहाँ पे ये क्या है, यहां से ये दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है आपको? तो ये कुछ इस हिसाब से है, तो मुझे बस ये जूम में चाहिए। तो देखो नजदीक में है अभी ये वाला, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, इसको यहां से यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऑल्ट करके यहां से ट्रिम कर देता हूँ, बराबर। ये मेरा यहां से हो चुका है। अब आगे कहां तक लेके जाना है मुझे, तो मुझे एग्जैक्टली कुछ यहां तक या फिर थोड़ा दूर, तो मैं सोच रहा हूं यहां तक इसको लेके जाऊं, तो इसको मैं यहां से भी ट्रिम कर देता हूं। अब करना क्या है, इसको यहां पे लेके आ जाते हैं ऑलमोस्ट इस जगह पे। अब यहां पे आपको स्मार्टली काम करना है, मैं दिखा देता हूं आपको, टेंशन मत लो, क्योंकि इसका रोटेशन अलग डिरेक्शन में हो रहा है। ये एंटी क्लॉक जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, बाकी के दो हमारे एंटी क्लॉकवाइज मोशन में थे, पैनिंग अलग अलग है कैमरा का। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है, बट पहले हम हमारा मेन काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टाइम में जाएंगे और अनेबल टाइम रीमैपिंग। अब यहां पे भी मैं की अप्लाई कर दूंगा। अब यहां से चलते हैं मैक्सिमम, मेरा ये वाला जो पेड़ एक मैंने रेफरेंस में लिया उसको मैंने आउट कर लिया, यहां पे की दे देता हूं, चला जाता हूं बैक पे, पेज डाउन, 1 2 3 4 5 फ्रेम हम आगे आ जाएंगे और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां पे शिफ्ट कर दूंगा। अब सेम चीज में यहां पे एंड पे आता हूं गाइस, सो एंड में ये यहां पे, तो यहां पे भी मैंने की दे देना, यहां से शिफ्ट पेज अप नहीं, पे पहले क्या करना है मुझे देख लेना है कि कौन सा पोर्शन। तो ऑलमोस्ट कुछ ये मेरे को सही लग रहा है यहां तक का, तो मैं यहां पे एक की अप्लाई करता हूं। अब इसको क्या करेंगे, लास्ट वाली की पे चले जाते हैं वापस, वही प्रोसीजर, 1 2 3 4 5 फ्रेम में आगे लेके आता हूं और इसकी को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब दोनों की इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं आगे की तरफ ड्रैग करके ले गया, तो कुछ यहां तक का चले आते हैं हमारी लास्ट की फ्रेम के ऊपर और लेयर को हम यहाँ पे सेट कर देंगे ट्रिम करते हुए। अब ये डिरेक्शन उल्टा है जिसको हमें सीधा करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों की इसको सिलेक्ट करता हूं, किसी भी एक की पे ऊपर राइट क्लिक कीजिए, की फ्रेम असिस्टेंट में जाइए और टाइम रिवर्स कर दीजिए। तो ये भी क्या होगा, वही डिरेक्शन जो हमारे आगे के दो कैमरा मूवमेंट से सेम पकड़ लेगा। और यहाँ पे मैं एन अप्लाई कर देता हूं, मतलब हमारा वर्क एरिया हमने लिमिटेड कर दिया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा और इफेक्टिव बनाना है। इफेक्ट हमारा जनरेट हो चुका है, ठीक है, बट इसको थोड़ा और इफेक्टिव बनाना है हमें, तो पहले देख लेते कि अभी तक जनरेट क्या हुआ है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल एक सीन में से दूसरे सीन में ये ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है आपको, बराबर। जैसे अभी ये स्टार्ट हुआ और तुरंत ये हो गया, फिर वापस सेम वाली चीज यहाँ पे। सो अब इसको थोड़ा और अमेजिंग बनाते हैं गाइज हम लोग। तो उसके लिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं। अब इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं इफेक्ट में जा रहा हूं और यहाँ पे जाऊंगा ब्लर एंड शार्पन में, और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ फास्ट बॉक्स ब्लर। अब सबसे पहला काम, फास्ट बॉक्स ब्लर के अंदर जो ब्लर डायमेंशन है मैं उसको चूज करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमारा मेन मोशन जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है हमें, तो मैंने इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्लर रेडियस के ऊपर फास्ट बॉक्स ब्लर जो हमारा इफेक्ट है, फास्ट बॉक्स ब्लर यस, उसके अंदर जो हमारा ब्लर रेडियस है उस ऑप्शन की स्टॉप वॉच के ऊपर सबसे पहले हमें की दे देनी है 0 नंबर फ्रेम के ऊपर। फिर हमें क्या करना है कि हमारा जो पहला लेयर है वहां पे उसकी सभी की लेयर की कीज ओपन होनी चाहिए लेयर पे टाइमलाइन के अंदर। अब नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर चलेंगे, यहां पे मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू होना चाहिए 12 में दे रहा हूं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हो गाइस, ये आपके ऊपर है। अब मैं एक और की फ्रेम आगे जा रहा हूं, यहां पे भी मुझे क्या करना है कि वैल्यू कम, सॉरी उल्टा हो गया, मैंने कीज उल्टे दे दी। पहले स्टार्टिंग में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 12 की वैल्यू चाहिए, आगे जाएंगे यहाँ पे वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे फिर से वैल्यू क्या रहेगी एज इट इज 0, तो एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे की दे देंगे, तो सेम टू सेम 0 वैल्यू रहेगी यहाँ पे। फिर एक की फ्रेम आगे जाएंगे, यहाँ पे मैं फिर से वैल्यू कर दूंगा मेरे ब्लर रेडियस की 12। यहां से एक और की फ्रेम आगे जाएंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, मुझे क्या चाहिए, ये दोनों की फ्रेम साथ में चाहिए ऑलमोस्ट, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस जगह पे, सॉरी एग्जैक्टली हमें यहाँ पे, ओके डन। अब इस वाली की फ्रेम के ऊपर हमें वैल्यू क्या चाहिए, वापस से एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू चाहिए आपको 0 अगेन।
फिर चलते हैं, सॉरी आगे जाएंगे एक और की फ्रेम, यहाँ पे अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एज इट इज रहेगी जीरो। फिर से यहां से एक की फ्रेम आगे जाएंगे, यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर देंगे फिर से 12 करनी है। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे और वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो अगेन। देन अगेन यहां तक मेरी वैल्यू रहेगी जीरो, तो यहाँ पे वापस हमें की देना है। एंड लास्ट की फ्रेम पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 12 हो जाएगी गाइस। सो हमारा स्पीड रैंप इफेक्ट, स्पीड रैंप ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, वीडियो ट्रांजिशन जिसको हमने जनरेट किया है टाइम रीमैपिंग के थ्रू। सो अब देखते हैं हम हमारा फाइनल आउटपुट कैसा दिखता है गाइस। हमारा वीडियो ट्रांजिशन यहां पे जनरेट हुआ है, स्पीड रैंप वीडियो ट्रांजिशन। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में जरूर मेंशन करना कि मेरे ट्यूटोरियल्स आपको कैसे लग रहे हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।